नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 11 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बता दें इसका सही उत्तर था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। सही उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है IMF का ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश यानी कि MP। कान्हा नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 1966 में भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1966 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है के सी नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष के सी नियोगी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबल पुरस्कार दिया गया? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको बता दें 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई ने भारत के जो केंद्रीय बजट है सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही जो है प्रस्तुत किया है। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ी जो है रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे बड़ी और लंबी यहाँ पर रेलवे सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये आपको पता होगा विटामिन ए, इसका सही उत्तर विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है और इससे जो है स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, डैमेज स्किन जो सेल्स होते हैं वो सही होते हैं। तो विटामिन ए इसका सही उत्तर है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, रिकेट से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का रस शरीर के किस भाग में होता है? तो बता दें इसका सही उत्तर है यकृत में। पित्त का जो रस है ये आपका यकृत में होता है। पित्त का रस शरीर के यकृत भाग में होता है, यकृत सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में ही यानी कि NH3 का जो आपका यूरिया होता है। ठीक है, यकृत में ही, शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत सही उत्तर हो जाएगा। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बता दें लाइन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग इसका सही उत्तर था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर जो होता है ये क्या काम करता है? तो विमान की ऊंचाई मापने के काम आता है। विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ईमेल की खोज किसने की थी? तो ईमेल की खोज जो है VA Siva Aidurai, इसका सही उत्तर है ईमेल की खोज VA Siva Aidurai के द्वारा जो है ईमेल की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो आपको बता दें रोम इसका राइट आंसर है। ROM कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो है ये आपकी रोम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग हिमालय से जो कन्याकुमारी जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो गलत था। डिब्रूगढ़ से जो पूरब से आपका जो होता है, पूरब से शुरू होता है,
पूरब के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो है सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से हम लोग जानते हैं, अंडों की टोकरी के नाम से हम लोग इसको जो है आंध्र प्रदेश को जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो अमृतसर का पंजाब गुरुद्वारा जो है सबसे बड़ा गुरुद्वारा है आपका अमृतसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन किस में पचता है? तो छोटी आंत में जो है भोजन पचता है। भोजन किस में पचता है? तो छोटी आंत में भोजन जो है ये आपका पचता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बैंगलोर इसका राइट आंसर है। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जो है बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के सामने, इस प्रकार से प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया था 16, इसके बाद दिया था ए माइनस बी बराबर 6, इसके बाद बोला था ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी का मान आप लोग 16 रखेंगे और ए माइनस बी का मान क्या रखेंगे 6, और 16 छंगा कितना होता है 36 और हासिल लगा 3 6 कम 6 और 6 3 9 96 इसका सही उत्तर था। आप लोगों को काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे जो है इसको जोड़ते काट देते, 2a बराबर आता आपका 22 और a बराबर आ जाता 11, तो उस प्रकार से निकालते तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा बनता, ठीक है। a बराबर 11 आता तो वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी का मान भी दिया हुआ है 16 और ए माइनस बी का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। उस प्रकार से निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और माइनस का बी का जो भी मान आएगा आप लोगों का, ठीक है, तो बी का मान वहाँ पे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर तो 100 आपका 21 होता है और यहाँ पे 25 घटा दें उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो अल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन इसका राइट आंसर है। अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त होती है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल के साथ है? तो बिलियर्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी का संबंध जो है बिलियर्ड खेल के साथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, काफ़ी महत्वपूर्ण, अमीनो एसिड बहुलक इकाई है? तो प्रोटीन की है, अमीनो एसिड जो है बहुलक इकाई प्रोटीन की है, प्रोटीन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फल भित्ति या जो है प्लेसेंटा होता है जो खाने योग्य होता है। टमाटर का प्लेसेंटा भाग जो है खाने योग्य होता है, प्लेसेंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है, 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में जो है हॉर्नबिल उत्सव हर साल जो है मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव हर साल मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक परीक्षा में 640 लड़के 360 लड़कियाँ शामिल होती हैं, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए 7% लड़के जो है सफल होते हैं और 80% लड़कियां सफल रहती हैं, तो यहां पे 40% जो है लड़के असफल होते हैं। तो 640 का सबसे पहले हम लोग 40% निकालेंगे जब, तो यहां पे आप लोगों का 4 चौक 16 और 4 6 24 और 1 25 256 आ जाएंगे लड़के जो कि फेल हुए। 640 में 256 लड़के फेल हो गए। वहीं यहाँ पे बोला 80% लड़कियाँ सफल नहीं तो असफल लड़कियाँ भाई 20%, 360 का 20% निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल असफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 6 2 8 है, 7 5 12 2 80 लगा 1 है, 328 है, 328 हैं जो वो टोटल असफल छात्र हैं। कितनों में से 360 640 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 1000, ठीक है, 1000 में से। और इसका परसेंटेज पूछा है, असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है, तो असफल छात्र हुए 338, 1000 में से गुणा 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा, 32.8% आ जाएगा। 328/10 का जब भाग करेंगे तो 32.8% यहाँ पे जो है असफल छात्रों का प्रतिशत निकल के सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NABARD होता है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो N जो आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो यहाँ पे जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो आपको बता दें, संविधान के जो 42वां संशोधन हुआ था, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान में जोड़े गए थे संशोधन के द्वारा। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन के दौरान जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 हो जाता है, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, 3 वर्ष में कोई धन है, 3 वर्ष में कोई धन है 800 से, 3 वर्ष में 800 से यहाँ पे कितना हो रहा है, 920 हो रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष में हमको 120 रुपये का ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में कितने का मिलेगा, 1 वर्ष में मिलेगा 3×12=40 का, ठीक है। इसके बाद बोला है ब्याज दर जो है 3% बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे ब्याज दर जो 3% बढ़ा दी जाएगी तो समान अवधि में हमको कितने जो है राशि मिलेगी? तो यहाँ पे 40 का हम लोग 30% और कर देते हैं, जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को राइट आंसर आ जाएगा 992, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 2023 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। 2023 में जो है पैरा ओलंपिक जो खेल हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 के तहत जो है बताया गया है। तो अनुच्छेद 324 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन जो है होता है, तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है, लाइपेज एंजाइम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा छात्रों का वहाँ पर जो है कंटेंट छुपा हुआ है और कब मिल जाएगा, अगर आपको फेज 3 में या फेज 4 में एग्ज़ाम देना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, GK GS करंट अफेयर के वहाँ पर हमने पूरे नोट्स जो हैं शेयर करा रखे हैं छात्रों के। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फेज 3-4 में लगा हुआ है तो ज़रूर पढ़ें GK GS करंट अफेयर, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक की फेज 1 और फेज 2 में भी पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो उसको ज़रूर पढ़ें। निम्न से कौन सी भाषा जो है श्रीलंका और सिंगापुर में प्रमुख भाषा है? तो आपको बता दें तमिल भाषा जो है श्रीलंका और सिंगापुर की जो है प्रमुख भाषा रही है। अगला क्वेश्चन है,